अंडा पराठा है एंड चाय, गर्मा गर्म चाय। अस्सलाम वालेकुम टू अनदर व्लॉग एंड टुडे वी आर गोना गो टू कराची। कायद आजम के शहर। सो आज हम जा रहे हैं ग्रीन लाइन पे। ये मेरे साथ मेरे नेफ्यू एंड नीस को जो शर्मा रहे हैं। तो खैर ये है लाहौर का रेलवे स्टेशन सी, वो सामने प्लेटफॉर्म टिकट है और यहाँ से एंट्री। अभी ग्रीन लाइन आई नहीं है तो मैं आज रिव्यू दूंगा इस व्लॉग में कि ग्रीन लाइन की सर्विस कैसी है। बहुत नाम सुना है, मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया था तो आज चेक करूंगा कि ग्रीन लाइन एक्चुअल में कैसी है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा, कराची का सफ़र कैसा रहता है। तो लेट्स सी एंड गेट द रिव्यू विद मी कि कराची का सफ़र ग्रीन लाइन पर कैसा रहता है। स्टे ट्यून। ये लाहौर जंक्शन के अंदर के मनाजिर हैं। यहाँ पे आप लोग काफ़ी सामान देख सकते हैं। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो ग्रीन लाइन में लोड होने के लिए पड़ी हुई और बाकी की जो चीज़ें हैं वो रेस्टोरेंट में जाने के लिए पड़ी हुई। ट्रेन की आमद के कुछ ऐसे मनाजिर थे कि लाइक देख के ही जैसा आ जाती है यार, इतनी प्यारी ट्रेन पाकिस्तान की और कोई भी नहीं है। मीन यू गाइस से नेक्स्ट लेवल है बॉस। अभी लाइक 12, 11 एंड अप टिल 1 अभी लगे हैं। तो ये हमारे कोई नंबर 7 है, ये एडजस्ट हो गए हैं मेरे फैमिली वाले। तो मैंने कहा ज़रा अपडेट दे लूँ बाहर से क्या सीन्स हैं और अभी अंदर का रिव्यू दूंगा मैं कि अंदर से कैसा है एसी स्टैंडर्ड। बाद में इकॉनमी भी दिखाऊंगा मैं कि इकॉनमी कैसा है। तो लेट्स एक्सप्लोर द एसी स्टैंडर्ड के साथ ही। लेफ्ट साइड पे कंट्रोल रूम है जहाँ से पूरे कोच की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जा रहा है और ये एसी स्टैंडर्ड के अंदर के सीन्स हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैंने इकॉनमी की वीडियो भी शूट करनी है, उसके लिए मुझे एंड पर जाना पड़ा जस्ट इकॉनमी की वीडियो बनाने के लिए। तो ये सीन्स हैं अंदर के, वही नॉर्मली सेटिंग है जो नॉर्मली ट्रेन में होती है। बट इसमें ये है कि रिवॉल्विंग फैंस लगे हुए हैं, चार्जिंग पॉइंट्स भी हर बर्थ के साथ हैं हर कैब में। बाकी सही है यार, बहुत प्यारी है, बाकी ट्रेन जैसी नहीं है। और ये पार्लर कार है, पार्लर कार की नेक्स्ट लेवल गेम है यार, वाकई बहुत प्यारी है। लाइक हर सीट के पीछे एलईडी लगी हुई है जिसमें सॉन्ग्स मूवीज हर चीज़ अवेलेबल है। सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। सो ये आपने देख ही लिए हैं, इकॉनमी, एसी स्टैंडर्ड और पार्लर कार। बिजनेस क्लास तो आपको पता ही, फिर सबके ही अच्छे होते हैं। तो ये लेफ्ट साइड पर बिजनेस क्लास ही है और ट्रेन चल पड़ी है तो इसका मतलब मुझे भी चढ़ जाना चाहिए। हाँ बिशा यार, हम बैठ गए। हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक सुनाया? नहीं। शर्मा क्यों रहे हो? मैं बहुत शर्माता है यार, मैं कहना। खैर हम बैठ गए हैं, ये हमारा एसी स्टैंडर्ड है। ये चेक करें, ऊपर फैंस भी लगे हुए हैं, हमने सामान रख दिया है और ये हम सब। चलो बाकी का सुबह दिखाएंगे, बल्कि खाना आना, खाना दिखाऊंगा पहले कि खाना कैसा, बाकी का सुबह रिव्यू देंगे सुबह कैसा लगता है। सो ये अब हम ऊपर आ गए, ऊपर वाली बर्थ पे जो सबसे टॉप पे होती है और ऊपर हाथ लगाने की बस जगह, बैठने की जगह नहीं है। तो अब रामीन आ गया मेरे साथ क्योंकि उसको नीचे ठंड लग रही थी। अब कैसा फील कर रहे हो रामीन, ऊपर ठंड तो नहीं है? नहीं। गुड, ये बहुत प्यारा बोलती है, बहुत क्यूट है ये। मेरे हमदा भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुन लिया ना, इतना प्यारा बोलती है, आप सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। तो खाना आने के बाद की ये सीन्स थे, मैं ऊपर वाली बर्थ से ही देख के सिर्फ मज़ा ले रहा था अभी तो। खैर खाना अच्छा था, नान था, चिकन कढ़ाई थी, दाल थी, गुलाब जामुन था, चिकन पुलाव था और साथ रायता। बस फिर खाना खाया और मैं मज़े से सो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू अनदर डे इन ग्रीन लाइन। सो वी आर गोना स्टार्ट आवर डे विद दिस नाश्ता। ये है नाश्ता, भी अंडा पराठा है और रायता, दही एंड चाय, गर्मा गर्म चाय। तो बड़ा मज़े का होने वाला नाश्ता भी, रात को खाना भी बड़ा मज़े का था। तो फिर नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा सा ट्रेन का एक्सपीरियंस लेते हैं मॉर्निंग टाइम। रात को तो ज़ाहिर है ट्रेन ही नज़र आ रही थी। चलो लो भाई, डन विद द नाश्ता और अब हम जा रहे हैं ट्रेन का टूर करने। सो ये क्लियर वीडियो है कंट्रोल रूम की जो कि सिर्फ ग्रीन लाइन में अवेलेबल है और यहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता है। हर कैबिन के साथ एक अलग कंट्रोल रूम इसका अवेलेबल है। फास्ट पेसिंग द वीडियो, ये सीन्स है लोअर एसी के अंदर के।
और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हर कोच के साथ यानी इकॉनमी के साथ भी डिस्पेंसर अवेलेबल है। ये ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक है जो कि हर कोच के साथ अवेलेबल है। इसको खींचने को सिर्फ 2000 रुपया जुर्माना है बस। इसी राइट साइड पे एक और ब्रेक भी अवेलेबल है। इसको यूज़ कैसे करना है ये कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी तरह से जानती होगी, बट मैंने कहा सिर्फ इसकी वीडियो बना लूँ कि ये भी ग्रीन लाइन में ही सिर्फ अवेलेबल है। और एट दी एंड इस वीडियो को पॉज करके नोट अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा हर बर्थ के साथ एक फोकस लाइट अवेलेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ लोअर एसी में इकॉनमी में नहीं है। चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं जिसके साथ बटन भी है जिसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और ये फोकस लाइट इसलिए होती है कि अगर आप बुक रीडिंग के शौकीन हैं तो आप ट्रेन में इजीली बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। फिर मैंने विंडो ओपन की, मैंने बाहर का व्यू चेक किया तो यार बहुत ही मज़े का था और फिर मैं व्यू में ही खो गया। जिंदगी एक सफ़र है जस्ट लाइक अ ट्रेन। कुछ लोग ये सफ़र आपके साथ शुरू तो करते हैं बट जैसे जैसे उनके स्टॉप्स आते जाते हैं वो सब आपको छोड़ कर चले जाते हैं। जिंदगी में तो ऐसे ही है, जैसे जैसे मतलब पूरे होते जाते हैं लोग आपको छोड़ते जाते हैं और एट दी एंड आप सिर्फ अकेले रह जाते हो। या फिर वो लोग जिनकी मंजिल वही होती है जो आपकी होती है। और इन शॉर्ट ये कुछ लोग वो लोग हैं जो आपके साथ सारी ज़िंदगी जुड़े रहते हैं और वही कुछ लोग या कोई एक इंसान ही आपका असल सफ़र होता है। सो ये अब हम आ गए हैं हैदराबाद जंक्शन। यहाँ पे हाफ एन आवर का स्टे है और हमने जाना है कुछ चीज़ें लेने ख़रीदने टक शॉप से। तो रमीन मेरे साथ है, ये मुझे गाइड कर रही है कि कहाँ पे जाना है। चेक करते हैं अभी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। हैदराबाद क्रॉस करने के बाद आपको दरिया सिंध देखने को मिलता है जिसको इंडस रिवर भी कहा जाता है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स इन पाकिस्तान और ये इंडिया की तरफ से आ रहा है। तो भाई वेलकम टू कराची हो गया। चेक ये सारे सीन्स हैं कराची के। और ये सीन है हमारे पाकिस्तान रेलवेज का। पहले ही माशाल्लाह से इतनी टाइम पे होती हैं और जब ये रेलवे स्टेशन पे पहुंचती हैं तो इनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता। अब वो एक ट्रेन आ रही है, वो इसको जगह देगी, रास्ता देगी, फिर ये जाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए इसको यहाँ पे खड़े हुए। पहले ही माशाल्लाह से घंटा लेट है, ऊपर से यहाँ पे आके फिर वेट करवा दें, क्या कह सकते हैं। ऑल दो ये ग्रीन लाइन है बट वेल सेटिस्फाइड विद दिस। सो दिस इज़ हाउ वे एंटर्ड कराची कैंट यानी कराची छावनी। सो ये एंटर होने के मनाजिर है और कराची छावनी अंदर से ऐसी है। तो इट्स नॉट सो ब्यूटीफुल लाइक लाहौर जंक्शन बट इट्स गुड। सो वी आर हियर एट कराची स्टेशन कराची कैंट। ये चेक करें एंड द एंट्रेंस ऑफ द स्टेशन लुक लाइक दिस। स्टेशन के बाद हम सबसे पहले मसूर बेस में गए जो कि माड़ीपुर में गुलबई के पास है और बहुत प्यारी बेस है। एंट्रेंस बहुत प्यारी है इस बेस की और डेजर्ट टाइप है बट प्यारी है। सो इट्स टाइम टू एंड द रिव्यू व्लॉग जो कि स्पेशली ग्रीन लाइन के लिए था। यार इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन। मतलब मैंने क्या नोट किया है कि पहले तो पाकिस्तान की रेलवेज़ का अल्लाह हाफिज़ है। सेकेंडली ग्रीन लाइन में कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं जो ये 9000 चार्ज कर रहे हैं, 9000 पर सीट पर बर्थ पर पर्सन इसी स्टैंडर्ड के लिए। इट्स नॉट वर्थ इट। इससे अच्छा है यार थोड़े से पैसे और लगाओ और प्लेन में आ जाओ। और सेकंड चीज़ जो मैंने नोट की है, ठीक है वो आपको लाइक डिनर भी देते हैं, ब्रेकफास्ट अच्छा होता है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ, बट फिर भी वो स्टैंडर्ड नहीं है यार। 9000 ले रहे हो आप और वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो बस मैं तो यही कहूँगा। और लाइक मैं अगर टॉयलेट की बात करूँ, मैं गया टॉयलेट में तो लाइक बस रहने दो। एटलीस्ट यार अगर कोई ऑथराइज पर्सन देख रहा है कम अज़ कम टैप्स चेंज करवा दो यार, अच्छी वाली लगवा लो वहाँ पे। दो मिनट बैठो वहाँ पे तो ऐसा लगता है जैसे अब गीले हो गए सारे, कंटिन्यूसली वो ड्रॉप्स गिर रहे हैं उसके और बस बहुत बुरे हालात। तो बस यही है यार, बाकी कराची पहुँच गया हूँ मैं। ये है मसरूर बेस सारी।
तो अभी जाता हूँ, फ्रेश वगैरह होता हूँ, सिर्फ हाथ मुँह धोए हैं, अभी जाके नहा धो के फिर खाना शाना खाते हैं, फिर देखेंगे आगे का क्या सीन्स है कराची में। स्टे ट्यून्ड विद मी कि कराची का क्या क्या एक्सप्लोर करता हूँ मैं। तो बाकी सही है, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए अगर आप कराची आना चाह रहे हैं और स्पेसिफिकली ग्रीन लाइन पे। तो ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।